नमस्कार, लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही कम है और बहुत ही मुश्किल से चल भी रहा था, और बीच में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे आ गए थे। बहुत खुशी हुई मुझे कि आज भी आप थोड़ा बहुत मानते हैं हमको, लेकिन मैं जिस पर्पज़ से यहाँ पर आई थी वो पर्पज़ अभी पूरा नहीं हुआ। मैं आपको बताने आई थी कि नेट के फर्स्ट पेपर में आपको क्या सावधानियाँ रखनी है। आपको पता होना चाहिए रिसर्च क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ये सारी चीज़ अगर आपको पता है, उसकी जो टेक्निकल पॉइंट है जैसे विश्वसनीयता, वैधता हुई, सांख्यिकी, उसके मेथड हुए टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप रिसर्च में बिल्कुल स्कोर कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं कि हाँ उसी को पढ़ते रह जाएँ, क्योंकि 5 नंबर का वो पोर्शन है। उसके बाद टीचिंग में, टीचिंग कैसे करते हैं, टीचिंग की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, स्तर क्या होती हैं, विधियाँ क्या होती हैं, और अच्छा प्रभावशाली शिक्षण कैसे होता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो शिक्षण के प्रति क्वेश्चन आप कर लेंगे। बोध वाले जो प्रश्न आते हैं जिसमें पैरा दिया होता है और ऑप्शन आपका दिया होता है, प्रश्न दिया होता है, उसमें 2 प्रश्न बहुत इजी होते हैं तो आराम से कर लेते हैं, और 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो आपको जैसे कि जैसे एक बार आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। उसको आपको क्या करना है कि एक बार रफली पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर वो फिर से जाइए वहाँ जहाँ से पढ़ाए, पहले पढ़ेंगे तो सारांश आपको पता चल जाएगा, फिर क्वेश्चन लेके जाएंगे वहाँ पे तो वापस देखेंगे तो वो प्रश्न आपको वास्तव में समझ में आएगा, और थोड़ा सा समझ के, क्योंकि 5 के 5 कोई नहीं कर पाता, 4 कर पाते हैं, तो इसलिए 2 आराम से कर लेते हैं और 2 प्रश्न आप और कर सकते हैं उसमें, तो इसलिए बहुत अच्छे से उसको ध्यान में रख के करना है। संप्रेषण के प्रश्न आपको याद रखना है कि जैसे संप्रेषण होता है, जैसे बोलने वाला है, सुनने वाला है, किसी माध्यम से बोल रहा है, फीडबैक दे रहा है, जो संदेश दे रहा है किसी कोड में, किसी भाषा में दे रहा है, और अगर वो भाषा दूसरे को नहीं आती तो एनकोडिंग नहीं कर पाता, तो वो एनकोडिंग कर ले रहा है तो वो संप्रेषण हो रहा है। तो प्रभावशाली संप्रेषण कैसे होता है, बाधाएँ कौन कौन सी होती है, जैसे शोर हुआ आपका, भाषा की वजह से भी होता है, बोलने के तरीके से, अभिव्यक्ति के तरीकों से भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। फिर आपका होता है कि एक आपका ICT का पोर्शन है, तो ICT में आपके जितने टेक्नोलॉजीज़ हैं आपको पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए, मल्टीमीडिया पता होना चाहिए, सोशल मीडिया पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उच्च शिक्षा का भी आपका पोर्शन है, तो उच्च शिक्षा में कब आया, कैसे आया, किसने क्या कहा, किस चीज़ की स्थापना कब हुई, कहाँ क्या इफेक्ट करता है, किस चीज़ का क्या उद्देश्य, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इन्वायरमेंटल जो प्रश्न आते हैं वो आपके लेटेस्ट में भी प्रश्न आते हैं, जो कहीं पे कोई सबमिट हुई होती है, या उसको नहीं पूछता कि डायरेक्टली कि हाँ ये हुआ है, मतलब उसके पीछे पर्पज या ऐसी चीज़ें पूछता है। सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऑप्शन नहीं होता, जैसे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया, उसके नीचे 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, मतलब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो इस वजह से भी आपको बहुत बारीकी से इसको पढ़ना होता है। इसके अलावा भी अन्य पोर्शन होते हैं, आप वो जानते हैं, जैसे रीजनिंग का पोर्शन होता है, युक्ति युक्त तर्क होता है, तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा घुस नहीं जाना किसी प्रश्न में, क्योंकि वो भी 1 नंबर देगा, उसकी जगह आप 2 प्रश्न कर सकते हैं, तो पहले सारी चीज़ें पहले देखते जाइए, जो ईजी लगे वो करते जाइए, और फिर वापस आके हम करेंगे ना, सारी चीज़ें करेंगे अगर टाइम रहेगा तो। फिर आपको ये भी करना है कि हाँ, मार्क करके मत छोड़िएगा, हर प्रश्न को देख लीजिएगा, और कभी कभी ऐसे मार्क करके छोड़ देते हैं, उसको फाइनल सबमिट नहीं करते क्वेश्चन को, तो वो नंबर आपके नहीं जुड़ते, तो कंप्यूटर है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान से आप दीजिएगा, क्योंकि जनरल आपका पेपर नहीं है, आपका ये हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाना है, इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट देता है। थोड़ा सा चिंतन स्तर का प्रश्न आता है, तो चिंतन स्तर के प्रश्नों में आपको पता है कि बिना सोच विचार के अगर आप कर देंगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, थोड़ा ऑप्शंस इजी रहेंगे तो भी अगर सही लगे तो आप कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस पर मत ठोकिए, कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी दे देते हैं कि आपको लगे डिफ़िकल्ट यही होगा, तो ये सारी चीज़ें भी आप गलतियाँ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें थी, लाइव रहते तो आपसे बात करते, आपकी प्रॉब्लम जानते, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में। अब क्या करेंगे, अब कल से पेपर है आपका स्टार्ट हो गया, जिनका दूर है पेपर वो कर सकते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं मुझ तक पहुँचाइए, और आपके सब्जेक्ट में मैं एजुकेशन वालों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ, साइंस के होते आप तो भाई CSIR, तो मैं उसमें मदद कर सकती थी, लेकिन बाकी जो पोर्शन है आपके आपके अपने सब्जेक्ट पर खुद कमांड रखनी है और अच्छे से अध्ययन करना है। साथ ही साथ घबराना बिल्कुल नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है, कोई आप
आपको आपका आकलन इस एग्ज़ाम से नहीं कर सकता, आपकी अपनी क्षमताएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहती आप ना करो, आप करो बिल्कुल करो, लेकिन घबराओ मत, जो होगा देखा जाएगा, जो प्रारंभ में लिखा होगा ईश्वर ने वो हमको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए।